गाइज आज है 29 दिसंबर 2023। सो मेरी नानी का आज रिटायरमेंट है और मेरी नानी यहाँ पे जॉब करती थी। ये है MPPGCL, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। सो ये एक थर्मल पावर प्लांट है और ये काफ़ी बड़ा है। तो इधर एक्चुअली 3 गेट्स हैं, तो हम जा रहे हैं गेट नंबर 1 में। तो वहीं पे नानी जॉब करती थी पहले। वैसे तो नानी गेट नंबर 2 से भी जाती थी, फिर नानी की प्लेस चेंज हुई थी और वो गेट नंबर 2 में करती थी। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं और वहाँ जाकर रिटायरमेंट पार्टी देखेंगे। हमें नहीं पता ऑफिस में कैसा होता है, वहाँ जाकर देखते हैं क्या होगा। उसके बाद रात में पार्टी भी है। सो हम फाइनली पहुँच चुके हैं नानी के ऑफिस के पास। हम उनका डेस्क भी दिखाएंगे आपको और अभी अंदर जाते हैं। यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारी कार्स खड़ी हुई है, तो मतलब काफ़ी लोग आए हैं नानी के रिटायरमेंट पार्टी में। चलो चलकर देखते हैं अभी क्या होता है। सो हम अंदर आकर बैठ गए। आई गेस ये इन लोगों का कॉन्फ्रेंस हॉल होगा और नानी के काफ़ी सारे कलीग्स भी आए हुए हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। और वो मेरी नानी बैठी हुई है सबसे फर्स्ट पर। सो यहाँ पे स्पीच शुरू हो चुकी है और वो लोग बता रहे हैं कि हाउ हार्ड वर्किंग शी वॉज, वो अपना काम कितने अच्छे से करती थी एंड ऑल। नानी को बुके दिया गया और सभी लोगों ने उनको थैंक यू बोला उनके काम के लिए। उसके बाद नानी ने भी अपनी स्पीच दी। देन आफ्टर दैट इट वॉज अ चांस फॉर फैमिली मेम्बर्स टू स्पीक अबाउट हर। सो मेरे मामा ने उनके लिए स्पीच दी एंड बड़े मामा छोटे मामा दोनों ने उनके लिए स्पीच दी। देन फाइनली नानी को गिफ्ट दिया गया उनके ऑफिस कलीग्स की तरफ से। हमने देखा नानी का डेस्क, वो यहाँ पर बैठकर काम करती थी। ये भी डेकोरेट किया हुआ था। उसके बाद हम आ गए नानी के घर। यहाँ पर हुआ उनका वेलकम, वो हम आपको दिखाते हैं। नानी यहाँ पर रहती थी बट अब तो इन्हें ये क्वार्टर छोड़नी पड़ेगी। ये क्वार्टर सारे एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है सेम टाइप की। सो आप देख सकते हैं सारी आइडेंटिकल दिख रही है। हमने नानी का वेलकम किया, उनको बुके दिया, माला पहनाई, आरती उतारी और फिर वो अंदर आई। उसके बाद सबने नाश्ता किया और सब चले गए शाम की पार्टी की तैयारी करने। अब हम आ चुके हैं पार्टी वेन्यू पर। अभी नानी जा रही है स्टेज पे, वहां जाकर नानी बैठेगी, फिर सब लोग आएंगे, धीरे धीरे फोटोज वगैरह क्लिक होगी, नानी को गिफ्ट देंगे, ये सारा प्रोसेस चलते रहेगा। चलो ना, मैं वीडियो बना रही हूँ, बैठो ना। फिर नानी के ऑफिस के कलीग्स, मोहल्ले वाले और बाकी सारे जिन्हें भी इनवाइट किया था सब आए, उन्होंने डिनर किया। फिर मुझे एक क्यूट सा बच्चा मिला, ये किसी की भी गोद में आ जाता है, मैंने भी उसे गोद में लिया। सो ये शाम ऐसे ही खत्म हो गई। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम गए इंडियन कॉफी हाउस डोसा खाने। यहाँ का डोसा काफी अच्छा रहता है तो हम यहाँ पर आ गए थे। और हेलो, ये है हमारा इंडियन कॉफी हाउस। हाँ, और यहाँ पे आज हमने डोसा खाया है और काफी अच्छा डोसा था यहाँ का। और हमने यहाँ के पकोड़े भी ट्राई किए जो कि बहुत अच्छे थे। ओके। और जैसे कि आपको पता है ये कॉफी हाउस है तो हम एक कॉफी तो बनती है, तो हमने वो भी ट्राई की, ठीक है, काफी अच्छी थी। ओके। तो इसी वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।